Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Hello traders, welcome back to my channel. और आज के स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नज़ारा के बारे में. जैसे कि आपको पता है कि नज़ारा जो स्टॉक है मैंने ऑलरेडी आपके साथ बहुत पहले शेयर कर दिया था. तो चलिए हम लोग उसका जो है प्राइस एक्शन देखेंगे और साथ में जो न्यूज़ चैनल वगैरह में क्या चीज़ें बातें हो रही उसको भी हम लोग जो है इस वीडियो पर हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो है ट्विटर पर लेके चलता हूँ, बट उससे पहले हम लोग अपना यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे ये था मिड एंड लार्ज कैप स्टॉक जिसमें कि मैंने कहा था बेस्ट पिक फॉर आईटी स्टॉक्स और ये मैंने मेंशन किया था अगस्त 1 को 2023 को मैंने शेयर किया था. अगस्त के 1 तारीख को मैंने शेयर किया था, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो इस वीडियो में आपको अगर टाइम स्टैम्प देखना है तो 6.42 मैं आपके साथ मैंने ये नज़ारा स्टॉक शेयर किया था. इसको मैं एक बार फुल स्क्रीन कर लेता हूँ जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 717.90 के आसपास प्राइस ट्रेड हो रहा था, जिसमें कि मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ से एक अच्छा खासा हमें मूव देखने को मिलेगा, ठीक है. यहाँ पे मैंने बाकी स्टॉक भी आपके साथ डिस्कस किया है तो वो भी आप देख सकते हो. तो अभी हम लोग जो है वापस अपने स्टॉक पे चलते हैं नज़ारा, जिसमें कि अभी आप देख सकते हो 876 के आसपास हमें यहाँ पे मूव देखने को मिला है. यानी कि अगर हम बात करें 717 जो कि इसके अंदर साइडवेज चल रहा था, अगर मैं आपको यहाँ पे 717 से यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मूव चेक करूँ कि यहाँ पे कितना मूव आ रहा है तो लगभग आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि 30% का हमें जो है यहाँ पे मूव देखने को मिल रहा है, ठीक है. जो कि मैंने कहा था आपके साथ, मैंने ऑलरेडी इस स्टॉक को शेयर किया था जब यहाँ पे ये साइडवेज हो रखा था तब मैंने आपके साथ ये स्टॉक को अगर आपने देखा होगा तो यही चीज़ न्यूज़ में शेयर किया जा रहा है. आप अगर यहाँ पर देखोगे तब के टाइम पर 777 जो इसका प्राइस था चल रहा था. अगर आप यहाँ पे देखोगे 777 मूव जब आना स्टार्ट किया तब आपके साथ ये चीज़ें शेयर की जा रही थी, बट मैंने इस वीडियो पे ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया था. तो जिन्होंने भी ये देखा होगा ना वो कहीं ना कहीं अभी अच्छा खासा इसमें होल्डिंग्स करके बैठे होंगे और अच्छा प्रॉफिट भी कर रहे होंगे. यहाँ पर मैंने उनको कहा था कि यहाँ पर कि जो टारगेट की अगर हम बात करें ना बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है. अगर हम यहाँ पे अभी न्यूज़ देखें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैंने आपको कहा ना कि मैं न्यूज़ वगैरह बिल्कुल फॉलो नहीं करता हूँ. ये न्यूज़ वाले जो चीज़ें होती है वो बात की बात है, हमें बाद में पता चलती है कि यहाँ पे कौन क्या खरीद रहा है. चलिए एक बार इसको सुन लेते हैं फिर हम लोग जो आगे बात करेंगे. मॉर्निंग अनुज, थैंक यू सो मच. जैसे कि आपने कहा जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और निखिल कामत जो बिलियनर इन्वेस्टर है, ज़ीरोधा के प्रमोटर है, अभी उन्होंने 1% स्टेक ऑलरेडी ले लिया है नज़ारा टेक में एंड उनका जो इंटरेस्ट है अभी नज़ारा टेक में बढ़ा है. अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो निखिल कामत है वो 3.5% स्टेक तक अपना यू नो इन्वेस्टमेंट करेंगे नज़ारा टेक में. 1% स्टेक ऑलरेडी ले लिया है और जो डील है 3.5% स्टेक तक लेने की वो ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज क्लोज हो जाएगी. अभी नज़ारा टेक का जो बोर्ड है वो मिलेगी सितंबर 4th को, तो उनकी बैठक होएगी सितंबर 4th को. और नज़ारा टेक जब भी हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने बोला कि जो स्पेकुलेशन है उन पे वो कमेंट नहीं करना चाहेंगे. लेकिन अगर आप स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक एक्चुअली लास्ट 6 मंथ्स में 50% की जो गेन है वो स्टॉक ने देखी है. और जो बिज़नेस है नज़ारा टेक की वो बहुत ही ज़बरदस्त है. अगर Q1 में देखा जाए तो डबल डिजिट ग्रोथ है दोनों की सेगमेंट्स में. गेमिंग सेगमेंट में उनकी 24% ग्रोथ दिखाई दी गई है और जो ई स्पोर्ट्स है उसमें ऑलमोस्ट 15.5% ग्रोथ. सो ये इंडस्ट्री जो है बढ़ रही है और बिलियनर इन्वेस्टर निखिल कामत के साइड से इस पे सेट है. ओके, तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो है नज़ारा के बारे में क्या क्या चीज़ें बातें हुई, तो यहाँ पे अभी जो भी चीज़ें प्राइस चल रहा है ना जो भी आप देखो यहाँ पे, तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देख लो 778, ठीक है. लेकिन मैंने 778 के नीचे से आपको मैंने सजेस्ट कर रखा था कि यहाँ पे 717 पे हमें यहाँ से भी अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा, ठीक है. तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं नज़ारा के बारे में मैंने डिस्कस किया है, और भी स्टॉक आपको देखने को मिलेगा जैसे कि टेक महिंद्रा, लेटेंट व्यू में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, HCL टेक, इन्फोसिस, ठीक है. ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस किया. अभी आप कल के वीडियो में देखो कि लोग कह रहे कि मैं कोर्स यहाँ पे जो है सेल कर रहा हूँ,
ठीक है, लेकिन इस तरीके का वीडियो में इन लोग जो है एक एक वर्ड मुंह नहीं खोलने वाले। तो वीडियो को पहले अच्छे से देख लिया करो, अगर आप चैनल पे पहली बार नए हो ना, पहले वीडियो को देख लो कि मैं किस तरीके का वीडियोस अपलोड करता हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, फिर जो है यहाँ पे अपना मुंह खोलना। तो आप यहाँ पे देखो कि जो मिड कैप स्टॉक हो गया, लार्ज कैप स्टॉक हो गया, ये सारी जो मैंने स्टॉक आपके साथ शेयर किया था ना, वो एग्जैक्टली उसी हिसाब से जो है यहाँ पे चला है। और मैं अगेन एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी मैं स्टॉक डिस्कस करता हूँ वो हमेशा या तो मैं ट्रेडिंग के लिए करता हूँ या फिर इन्वेस्टिंग के लिए करता हूँ, तो ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहता था। बाकी ये जो भी मैं एनालिसिस देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी एक बार एनालिसिस कर लें और उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने का सोचे। और अगर देखिए इस तरीके का स्टॉक अगर आप पाना चाहते हो तो आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और अगर और डीपली सीखना चाहते हो प्राइस एक्शन को, जिसमें कि मैं अपने टेलीग्राम के प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स को बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होती है क्या नहीं होता है। देखिए आपको अगर हमारे अंडर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दे रहा हूँ, जैसे कि हो गया चार्ट डिस्कशन ग्रुप हो गया, जिसमें कि हम लोग चार्ट और स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं कुछ इस तरीके का, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैं हर स्टॉक को डिस्कस करता हूँ और जो भी मुझे स्टॉक अच्छे लगते हैं ना वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। बट बात यह है कि कम से कम आपको पता है कि जो स्टॉक है, कम से कम 500 से ज़्यादा स्टॉक हमें यहाँ पे मेरे वॉचलिस्ट पे रहते हैं, बट हर किसी का वीडियो बना पाना मुश्किल है। अगर आप सोच रहे हो 500 का स्टॉक, अगर 10 वीडियो भी मतलब 10 स्टॉक भी अगर निकल के आते हैं तो मुझे जो है उसमें भी बात करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन समझाना पड़ेगा। अब ये हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई बाय सेल का तो मैं रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, कि मैं टिप्स तो प्रोवाइड नहीं करता हूँ कि यहाँ पे बाय करो यहाँ पे सेल करो। मैं आपको बस यहाँ पे प्राइस एक्शन बताता हूँ, सिखाता हूँ कि क्या कैसे मूव होता है, कि मूव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये मैं कहता हूँ। और बाद बाकी मैं यहाँ पे कुछ भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ कि आप जो है मेरा कोर्स ज्वाइन करो, जबकि मेरा कोई कोर्स है ही नहीं। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैं कोर्स सेल कर रहा हूँ, मेरा कोई कोर्स नहीं है भैया, मैं यहाँ पे कोई कोर्स सेलिंग नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक लर्निंग वीडियो बताता हूँ कि कैसे स्टॉक को देखा जाता है, किस तरीके से स्टॉक में मूव आ सकता है, कहाँ से मूव आ सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और इसके अलावा मैं कुछ भी आपके साथ जो है चीज़ें मैंने नहीं कही है और ना मैं कभी कहूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे अपने वीडियो पे और क्या क्या इम्प्रूव करने हैं, ठीक है। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि काफ़ी सारे लोग भी इसके बारे में जान सकें कि एक प्राइस एक्शन को कैसे रीड करना चाहिए, क्या रीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो पे आपके साथ।